सकते हैं कि प्रयास था भाग्यशाली रहे, बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर की ओर नहीं गई, नुकसान हो सकता था। चले क्षितिज एक बार फिर, ये बॉल आमीन के लिए, इस बार लोअर फुल टॉस, वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, दायरे के अंदर इस गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं। क्षितिज पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद शानदार कमबैक करते हुए एक बार फिर तैयार, ये बॉल, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, इस बार पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए विकेट कीपर, काफी मोटा एज लगा था बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर की ओर। चले इस समय एक बार फिर, ये बॉल, इस बार खेल दिया है इसे कवर के रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद हैं और खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े और पूरा भी कर लिया इस सिंगल के सहारे, सात रन, पारी का पहला ओवर है। अगर बात करूं भुस्के कंस्ट्रक्शन की, इस बार फिर खेल दिया है बेहतरीन कवर ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद है, यस नो, और आधी पिच से वापस होकर आए वहां पर बल्लेबाज आमीन, देखा कि फील्डर काफी मुस्तैदी से गेंद को फील्ड करने के लिए आ रहे थे, भाग्यशाली रहे वहां पर, समय रहते वापस आ गए क्रीज में, कोई रन नहीं, और कहीं ना कहीं जब कोई बल्लेबाज रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाता है तो उसके मन में एक टी से कसक बाकी रह जाती है कि अपनी टीम के लिए 100% नहीं दे पाया। ओ राहुल, राहुल रावत दूसरे ओवर की कमान, एक बज चुका है मैदान पर, शबनम यानी कि ओस आ चुकी है, तो थोड़ी सी यहां पर गेंदबाजी में दिक्कत ज़रूर होगी, और जब गेंद जो है थोड़ी सी भीग जाती है कहीं ना कहीं उसे हिट करने में बल्लेबाजों को भी थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मैदान पर हल्की हल्की ओस नज़र आती हुई, चले इस समय एक बार फिर ये बॉल, और इस बार खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में, डीप में गेंद जाती हुई चार रनों के लिए बेहतरीन चौका, फील्डर ने काफी लंबी दौड़ लगाई थी, प्रयास भी किया था इस गेंद को रोकने का मगर रोक नहीं पाए, नतीजा स्वरूप परिणाम स्वरूप चार रन, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 12 रन पारी के दूसरे ओवर से बगैर किसी नुकसान के। अंकुर क्लब टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, टॉस जीता भुस्के कंस्ट्रक्शन ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, अभी तक तो दबाव बना कर रखा है, दूसरा ओवर है, 12 रन स्कोर बोर्ड पर हैं। इस बार है गुड लेंथ डिलीवरी, गुड लेंथ पर गेंदबाजी, छकाते हुए बल्लेबाज को, गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल कमर की ऊंचाई से बॉल जाती हुई, और जब जब गुड लेंथ पर सटीक टप्पा होता है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होती है, और वही देखने को मिला वहां पर बल्लेबाज कमल के द्वारा। चले इस समय गेंदबाज राहुल रावत, काफी लंबा रन अप, और इस बार उछाल कर खेला है, मिड ऑफ ऊपर था, लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, बाउंड्री लाइन के नजदीक अंततः इस गेंद को फील्ड करते हुए, इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल के सहारे 13 रन पारी के दूसरे ओवर से, 13 रन स्कोर बोर्ड पर। चले ये बॉल, और इस बार सफल कर आए थे, कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट लगाने की कोशिश थी बल्लेबाज आमीन की,
ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 13 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर, दो ओवर की समाप्ति पर 13 रन स्कोर बोर्ड पर। सरताज खान इस समय गेंदबाजी, सरताज आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अंपायर का इशारा वाइड का, मैं बात कर रहा था गेंदबाज सरताज खान की, पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे और शानदार उनका गेंदबाजी का एक्शन। शानदार बॉलिंग सरताज की, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज कमल। तीसरा ओवर है, विकेट जरूर नहीं झटके हैं मगर रनों पर अंकुश लगाकर रखा है, खुलकर बल्लेबाजी करने की आज़ादी नहीं दी गई गेंदबाजों के द्वारा, थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हुए। जिस अंदाज में अभी तक गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, तारीफ करूंगा वहां पर, सरताज खान इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे हैं। लीजिए यू मिसरा हिट, स्टंप को धराशायी कर दिया सरताज ने, पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ, पहला झटका लगता हुआ अंकुर के लब को कमल के रूप में, और दिक्कत महसूस कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज कमल खेलने में, अंततः अपना विकेट गंवाकर डगआउट की ओर वापस जाते हुए। अगले बल्लेबाज सोनू, सरताज खान सरदार के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, माफी चाहूंगा गेंदबाजी करते हुए, और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, फील्डर पीछे मौजूद है, एक रन और इस सिंगल के सहारे, काफी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई सिंगल के सहारे 15 रन। पारी के तीसरे ओवर से एक विकेट के नुकसान पर अंकुर के लब 15 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर, और इस बार खेल दिया है फील्डर वहां पर, काफी खूबसूरत फील्डिंग, पहले मन बनाया था कैच लेने के लिए जा रहे थे, अंतिम समय में इरादे को बदला और यहां पर फील्डिंग करना ही मुनासिब समझा, और महत्वपूर्ण 3 रन भी बचाए वहां पर खड़े हुए फील्डर ने, एक ही रन और सिंगल के सहारे 16 रन। एक बार फिर खेल दिया है उसी ओर लॉन्ग ऑफ के रीजन में, एक बार फिर लाजवाब फील्डिंग 7 नंबर की जर्सी में फील्डर के द्वारा, और ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 17 रन। क्षितिज एक बार फिर गेंदबाजी के लिए पुल किया है मिड विकेट के रीजन में, अंपायर के सारी की प्रतीक्षा, अंपायर रफी साहब का इशारा 4 रनों का, और इस चौके की मदद से 21 21 रन। क्षितिज एक बार फिर सोनू के लिए, ये बॉल इस बार फुल टॉस लेंथ, ये बॉल खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ की ओर, मैदान के नीचे की ओर सिंगल के लिए, इस सिंगल के सहारे 22 22 रन।
पारी के चौथे ओवर से स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज आमीन, और काफी देर से इंतजार कर रहे थे नान स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर आते ही लाजवाब छक्का लगाया बल्लेबाज ने आमीन ने, और इस छक्के की मदद से 28 लॉस ऑफ वन विकेट, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, पारी के चौथे ओवर से 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार शानदार बॉलिंग, गेंद की गति को कम करते हुए छकाते हुए बल्लेबाज को गेंदबाज क्षितिज आमीन, जो कि पिछली गेंद पर एक कड़ा प्रहार किया था। वाइट का इशारा अंपायर रफी साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर। ट्वेंटी नाइन 29 रन पारी के चौथे ओवर से। इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल बिल्कुल यॉर्कर लैंड डिलीवरी, चारों खाने चित करते हुए बल्लेबाज आमीन के कोई भी मौका नहीं इस गेंद पर प्रहार करने का। स्कोर अपनी जगह पर 29 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम अंकुर क्लब, और लीजिए इस बार बल्लेबाज ने अपना मौका ताड़ा और डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर पूरे 6 रनों के लिए स्टेट ड्राइव, बेहतरीन छक्का। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 35 35 रन। शीघ्रता का परिचय दें, जल्दी करें। बॉलर इंशाफ, और इस बार खींचकर शॉट लगाया है वाइड लॉन्ग ऑन के शर के ऊपर से, धंधन आता हुआ झंडाटेदार छक्का। इंशाफ ने बिल्कुल इंशाफ किया है इस गेंद के साथ, और इस छक्के की मदद से 41 41 रन। शानदार बॉलिंग, शानदार कमबैक करते हुए गेंदबाज इंशाफ, पहली गेंद पर छक्का लगाया था बल्लेबाज ने, उसके बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज। 41 रन स्कोर बोर्ड पर आज की रात का यह अंतिम मुकाबला, और इस बार फिर खींचकर शॉट लगाया है, एक बार फिर बेहतरीन, इस बार फिर आधा दर्जन रेकर देकर आधा दर्जन रन देकर जाएगा ये शॉट। शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के सर के, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, फील्डर जरूर वहां पर मौजूद थे, रोक नहीं पाए। शानदार छक्का बल्लेबाज सोनू के बल्ले से। इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं गेंदबाज इंसाफ को, और इस छक्के की मदद से 47 47 रन।
बॉल मैदान पर पहुंचा दें आसिफ भैया, बॉल पहुंचा दें मैदान पर। इंसाफ एक बार फिर बल्लेबाज के लिए, ये बॉल और लीजिए इस बार कोई तो रोक लो। एक और लाजवाब छक्का इस ओवर का तीसरा, बल्लेबाज सोनू के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी। और इस छक्के की मदद से 53 रन। कोई दर्शक वहां पर हो तो गेंद को जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचाने में आयोजन समिति को सहयोग प्रदान करेंगे। इंसाफ एक बार फिर कमल के लिए, इस बार फिर खींचकर शॉट लगाया है, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद दनदनाती हुई गोली की भांति टी बेस्ट कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। और इस समय गेंदबाज इंसाफ के साथ ना इंसाफी करते हुए बल्लेबाज कमल लगातार गेंद को हवा यात्रा पर पाते हुए, पहले आसमान के सहारे इस बार जमीन के सहारे, और लीजिए इस बार बगैर वीजा और बगैर पासपोर्ट के एक बार फिर हवाई यात्रा पर एक और गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। तिरसठ रन 5 ओवर की समाप्ति पर। इस ओवर में हमारे स्कोरर से जानना चाहूंगा कितने रन खर्च किए यहां पर गेंदबाज इंसाफ ने, 28 रन, काफी महंगा ओवर इंसाफ का। 5 ओवर की समाप्ति पर 63 रन। बॉलर राहुल हैं क्या? ओके सर, राहुल छठे ओवर की कमान, सामने है बल्लेबाज आमीन। और काफी तेज गति से बल्ला चलाया बल्लेबाज आमीन ने, मगर उतनी ही तेज गति से स्टिक करती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई ये बॉल। राहुल रावत शानदार गेंदबाजी करते हैं, पिछले जो अपना पहला ओवर लेकर आए थे पारी से दूसरा शानदार गेंदबाजी की थी, और अब छठे ओवर की कमान एक बार फिर। और इस बार मौका बना है कॉट एंड बोल्ट का, और एक आसान सा कैच आमीन की पारी कंध होता हुआ, दूसरा झटका छठे ओवर में लगा है अंकुर क्लब को। और अब अगले बल्लेबाज आरिफ, राहुल आते ही उस
साझेदारी को तोड़ा है। दूसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप लग रही थी और उस साझेदारी को तोड़ते हुए गेंदबाज राहुल, सामने इस समय आरिफ। इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर रफी साहब का इशारा वाइट का, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के सहारे 64 रन। एक बार फिर तैयार बॉलर राहुल आरिफ के लिए। इस बार कारपेट के सहारे यहां पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट थ्रो लगा है और थर्ड एम्पायर को रेफर करते हुए, रेफर किया है थर्ड एम्पायर, चेक कर कर बताएंगे, डिसीजन पेंडिंग है। बिल्कुल डायरेक्ट हिट थ्रो लगा था। नॉट आउट, पहुंच चुके थे क्रीज पर बल्लेबाज। चले और क्या यहां पर विकेट प्राप्त हुआ है, जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दास्तानों में सोनू की पारी का अंत होता हुआ। सलमान अगले बल्लेबाज, सलमान आए हैं अगले बल्लेबाज। राहुल का सफल ओवर जिस तरह से गेंदबाजी की है। राहुल चले सलमान के लिए, ये बॉल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल गेंदबाजी करते हुए इस समय सामने है बल्लेबाज आरिफ। इस बार खेलने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया, बल्ले के ऊपर जाकर यह बॉल लगी, एक रन। राहुल चले ये, और इस बार आरिफ ने बल्ला चलाया था। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर सड़सठ रन, 67 6 ओवर की समाप्ति पर। धनवंत व्हाइट बॉल, और इस बार सलमान ने अपने तेवर दिखाए हैं काऊ कॉर्नर की ओर, जो कि मैदान का सबसे लंबा एरिया होता है। यहां से बचा लिया गया है और इस समय देखना होगा, रनआउट का मौका भी बना था।
और लीजिए थर्ड एम्पायर को रेफर किया है, बाउंड्री चेक की जाएगी। व्हाइट बॉल, धनवंत चले ये बॉल, पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, एक और व्हाइट। चले बॉलर, नो बॉल का इशारा, धनवंत। हेलो, ये बॉल ड्राइव किया है कवर के रीजन में, फील्डर का भी खूबसूरत फील्डिंग, मगर एक रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को इस सिंगल के सहारे। 75 75 रन पारी का अंतिम ओवर पर गति पर, महज कुछ कहने से इस ओवर की शानदार बॉलिंग धनवंत की। अंतिम ओवर है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, तारीफ करूंगा वहां पर बॉलर धनवंत की, जिस तरह से जो पिछली गेंद आप रीप्ले में देख सकते हैं बिल्कुल गुड लेंथ पर टप्पा था, और इस बार उछाल कर खेला है फील्डर उसके नीचे आते हुए। अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है, रन आउट हो सकते हैं, और मौका कब आया, सटीक थ्रो था, तारीफ करूंगा वहां पर, दौड़कर दो रन पूरे करते हुए। और अब फ्री हिट का इशारा आया है अंपायर रफी साहब का, 78 78 रन, 78 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। अंतिम कुछ गेंद शेष इस ओवर की, 78 78 रन स्कोरबोर्ड पर। फ्री हिट है, वाइड बॉल, फ्री हिट बरकरार रहेगी, अतिरिक्त रन भी जुड़ेगा स्कोर में, 79 79 रन, फ्री हिट अभी भी बरकरार है। लाइन लेंथ खोते हुए वहां पर गेंदबाज, और इस बार खेल दिया है पूरी तरीके से, टाइम नहीं कर पाए, डाउन द ग्राउंड मैदान की नीचे की ओर स्टेट ड्राइव, एक रन
और इस सिंगल के सहारे 80 रन, 80 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी इस इनिंग की, इस अंदाज में कसी हुई गेंदबाजी हुई थी, तो लग रहा था कि 50 के अंदर रोक दी जाएगी, मगर वो 28 रन का ओवर आया इंशाफ का, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका लगाया बल्लेबाज ने, जिसके तहत और लेग बाई के रूप में शायद रन आउट होंगे, 1 रन जुड़ेगा स्कोर में, 81 रन इनिंग की समाप्ति। ये मुकाबला जीतने के लिए 22 रन की चुनौती, 82 रन की चुनौती, 82। मैदान पर सदस्य मैदान पर भैया किसी के पास पानी की भरी बोतल,
क्षितिज के लिए इस बार क्या किनारा लगा था। चले इस समय गेंदबाज रितेश, वाइट का इशारा इस समय अंपायर आदिल साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर। दोनों ही ऑन फील्ड अंपायर स्क्वायर लेग पर इस समय रफी साहब हैं। 82 82 रन बनाने हैं, 82 रन इस समय जीतने के लिए। कुछ के कंस्ट्रक्शन को इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के सर के ऊपर से, वन बाउंस टू बाउंस, चार रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चले इस समय बॉलर रितेश, क्षितिज के लिए इस बार यहां पर कोर्ट बिहाइंड की जोरदार अपील और अंपायर उंगली खड़ी हुई है। पहला विकेट हाथ लगता हुआ अंकुर क्लब को, बड़ी मछली इस समय जाल में फंसाई है। क्षितिज के रूप में पहला विकेट गवाया, आने वाले बल्लेबाज जल्दी करें, समय का अभाव है। सबनम पूरे मैदान पर बिखर चुकी है, वो उससे पूरे मैदान पर नजर आती हुई। और अब अगले बल्लेबाज इस समय राहुल है क्या, राहुल इंसाफ फुरकान, ओके सर। रितेश शानदार गेंदबाजी, एक ब्रेक थ्रू हाथ लगा और अब अगले बल्लेबाज वन डाउन बैटर फुरकान आए हैं। और इस बार क्या दूसरी मछली जाल में फंसाई है, आमीन उसके नीचे और लाजवाब। वहां पर फुरकान आए और फुरकान गए, लगातार दो गेंदों पर दो सफलता। रितेश लाजवाब गेंदबाजी, अभी से एक चंदेल अगले बल्लेबाज, लगातार दो गेंदों पर दो विकेट, ऑन अ हैट्रिक। रितेश क्या अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पिछली दो गेंदों पर दो सफलता अर्जित की हैं गेंदबाज रितेश ने, और अब अभी से एक आए हैं अगले बल्लेबाज, देखना होगा इस गेंद को किस तरह से फेस करते हैं। इस बार हल्के हाथों से कलाइयां चलाइयां, रन आउट का मौका हो सकता है और बाल बाल बचे वहां पर, थोड़ा सा दिशाहीन रहा थिरो। डायरेक्ट हिट जाकर अगर नॉन स्ट्राइक पर ये स्टंपों पर लगता तो शायद मौका बन सकता था। और पहली दफा इस समय स्ट्राइक पर मयूर रितेश, चले इस समय 15-17 कदमों का रन अप रितेश का।
अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली, पाडिस लॉन्गन को अंदर बुलाया, ओह लॉन्ग ऑफ को अंदर लिया है मिड ऑफ पर, और एक लॉन्ग ऑन पीछे है और एक डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, बाकी सब सर्किल के अंदर, विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक पॉइंट है, एक कवर है, एक मिड ऑफ ही ऑफ साइड पर दायरे के अंदर, और लीजिए इस समय मिड ऑफ को पीछे लॉन्ग ऑफ पर भेजा है और मिड ऑन को अंदर लिया है जो कि लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए थे। इस बार फिर बॉलर की दिशा में खेला, बैक टू द बॉलर, शानदार फील्डिंग अपने फॉलो थ्रो में। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर दो विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर इस समय रन लगे हैं 6 रन। जल्दी करें, समय का अभाव है, ज्यादा वक्त ना लें दोनों ही टीमें। हेलो बॉलर इस समय आरिफ, दूसरा ओवर लेकर पारी से, और इस बार फुल टॉस दिया, डिलीवरी खेल दिया इसे शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, कोई रन नहीं। आरिफ इस समय गेंदबाज, 82 रन बनाने हैं निर्धारित 7 ओवर में बुच के कंस्ट्रक्शन को ये मुकाबला जीतने के लिए। और लीजिए इस बार पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई डी पॉइंट सीमा रेखा की ओर, और क्या इसे बाउंड्री लाइन के नजदीक रोका गया है, दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। शानदार फील्डिंग आप रीप्ले में देख सकते हैं, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए वहां पर फील्डर। एक बार फिर आरिफ, और इस बार शॉट के लिए जगह बनाई डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए फ्लैट 6, लाजवाब छक्का बल्लेबाज अभिषेक चंदेल के बल्ले से, और रनों का जो थोड़ा सा सूखा नजर आ रहा था थोड़ी सी बरसात से छक्के के बाद अभिषेक चंदेल ने अपने तेवर दिखाए, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी थी, बहुत जल्दी अपने आप को संभाला, बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। पारी का दूसरा ओवर, 12 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर, 82-82 के जवाब में, चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए अंकुर क्लब ने 81 रन बनाए हैं। इस बार दिशाहीन गेंद, बसते हुए बल्लेबाज, चूंकि आप स्टंप पर काफ़ी सफल कर आ गए थे और उनकी रडार से गेंद को दूर रखना चाहा, जिसके तहत वाइट कर बैठे अतिरिक्त रन इस अतिरिक्त के सहारे, माफी चाहूँगा, 15 रन इस स्कोर बोर्ड पर, 2 रन इस समय वहाँ पर लिए थे, जो कि शानदार फील्डिंग की गई। एक बार फिर यहाँ पर रनआउट का मौका, स्ट्राइक को एंड पर अगर थ्रो लगाते तो शायद मौका बन सकता था, थोड़ी सी मिसिंग अंडरस्टैंडिंग वहां पर फील्डर के द्वारा, समझ नहीं पाया कि सो रही है थ्रो किया जाए, वहां तो अभिषेक ने खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे, अगर डायरेक्ट हिट लग भी जाता तो भी क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज। इस बार वाइट का इशारा, अंपायर आदिल साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर आता हुआ, स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास बल्लेबाज का, और वाइड बॉल करार दी गई। चले इस समय एक बार फिर बॉलर आरिफ, और इस बार उठाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट के शर के ऊपर से लाजवाब छक्का, बल्लेबाज मयूर के बल्ले से ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोर बोर्ड से अवगत कराने का, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर इस समय रन लगे हैं। तेईस रन, 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर 23।
बार हल्के हाथों से खेल दिया है। नान स्ट्राइक पर दौड़ पड़े थे मयूर रन लेने के लिए, दिलचस्पी नहीं दिखाई स्ट्राइक पर खड़े हुए। अभिषेक ने बेहतर जानते हैं कि फील्डर के हाथ में बॉल थी, अगर दौड़ पड़ते तो रनआउट का खतरा था। अशोक एक बार फिर तैयार, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक चंदेल, और इस बार फिर बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास। लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर का इशारा वाइट का, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के सहारे। लीजिए यू मेजोराई हिट, लेग स्टंप को धराशायी कर दिया। अशोक ने लगातार वही शॉट खेलने का प्रयास था और जो कार बड़ी देर से करना चाहते थे गेंदबाज अशोक, अंततः सफल होते हुए। और अशोक ने जिस तरह से शायद पट्टी लगाई है दिख रही है बिल्कुल डंडा के अंदाज में, अशोक डंडा भी इसी तरह से पट्टी लगाते थे। अगले बल्लेबाज धनवंत आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अशोक बॉलर तैयार। और इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर, लाजवाब छक्का बल्लेबाज धनवंत के बल्ले से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डगआउट से सेट होकर आए हैं, चार्ज होकर आए हैं बल्लेबाज। पहली गेंद जो थी ओवरपिच डिलीवरी उनके स्लॉट में थी ये गेंद, और जिस अंदाज में बल्ला चलाया था सही संपर्क गेंद और बल्ले का, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 30 पारी के तीसरे ओवर से 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर चलाया है लॉन्ग ऑन के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद हैं आमीन, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच अपना छोर बदलते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस सिंगल की बदौलत 31 31 रन पारी के तीसरे ओवर से। अशोक मेहरा इस समय, और इस बार फिर बैकफुट पर जाकर खेला है, सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे डीप स्क्वायर लेग पर, और आरिफ वहां पर खड़े हुए थे, सीधे उनके हाथ में खेल बैठे बल्लेबाज मयूर, और मयूर की पारी का अंत होता हुआ 4th विकेट गवाती हुई इस समय बुचके कंस्ट्रक्शन। और अब अगले बल्लेबाज गौरव जी, गौरव इस समय बल्लेबाजी के लिए। अंतिम बॉल 31 रन स्कोरबोर्ड पर पारी के तीसरे ओवर से 4 विकेट के नुकसान पर। अशोक एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर, सामने है बल्लेबाज गौरव। बॉलर के हाथों से बॉलर की दिशा में बैक टू द बॉलर खेला, और इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 32 32 रन। और अब बॉलर आमीन, और इस बार खींचकर शॉट लगाया है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए।
बची हुई 23 गेंदों पर 44 रन की आवश्यकता। और लीजिए इस बार क्या सही संपर्क है, हो यहां पर कैच छूटा है और ये कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ा है, एक आसान सा कैच था। और इसी बीच दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं, ओवर थ्रो हुआ है और अंततः पूरा भी कर लिया। आमीन। एक बार फिर गौरव के लिए ये बॉल, इस बार फिर मैंने ये हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश बल्लेबाज की और अपने फॉलो थ्रो में गेंदबाज आरिफ ने माफ़ी चाहूँगा आमीन ने इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इस बार लोअर फुल टॉस, ये बॉल पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए स्क्वायर लेग रीजन में, फील्डर वहां पर खड़े हुए थे, एक रन और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड। इकतालीस रन पारी के चौथे ओवर से, इस समय पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है, 41 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बार फिर यहां पर मिस फील्ड हुई है, गेंद आती हुई डीप फाइन लेग सीमा रेखा की ओर और इस मिस फील्ड के चलते हुए दौड़कर दो रन पूरे करते हुए रनआउट का मौका भी बना था, इन दो रनों की मदद से 43 रन। बुच के कंस्ट्रक्शन वर्सेज अंकुर क्लब, दोनों टीमों के मध्य ये मुकाबला। और इस बार बल्ला चलाया है, फील्डर वहां पर मौजूद और लाजवाब छक्का, पकड़ा जा सकता था, सही समय पर एफर्ट भी लगाया, 49 रन इस छक्के की बदौलत, 49 ओवर की समाप्ति। अठारह गेंदें और 33 यानी कि 33 रन बची हुई 18 गेंदों पर 33 रन, 11 रन प्रति ओवर यहां से रन बनाने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह से बुचके कंस्ट्रक्शन के बल्लेबाज जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब गेंदबाजी में आए हैं, रितेश इस समय चल दिए। इस बार स्क्वायर कट के अंदाज में अंपायर का इशारा वाइट का, 50 रन पूरे होते हुए इस एक अतिरिक्त के सहारे टीम का अर्धशतक पूरा हुआ है। रितेश एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर, सामने है बल्लेबाज गौरव। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, डीप स्क्वायर लेग रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन और इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड सगुन पहुंचा है, 51 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर, पारी के पांचवें ओवर से 51 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। और यहां पर मिस फील्ड हुई है और मिस फील्ड के चलते हुए चौका प्राप्त किया है वहां पर बल्लेबाज ने, इस चौके की मदद से 55 रन, 55 स्कोर बोर्ड पर। और बेहतर जानती है, अगर बात करूं अंकुर क्लब के नज़रिए से, आप इस तरह से मिस फील्ड नहीं कर सकते, आसानी से इस गेंद को फील्ड किया जा सकता था। चले इस समय एक बार फिर रितेश,
और इस बार पहले कॉर्पेट के सहारे, इस बार आसमान के सहारे लाजवाब छक्का काउ कॉर्नर की ओर। बेहतरीन छक्का लगाया बल्लेबाज धनवंत ने और इस छक्के की मदद से 61 रन। पंद्रह गेंदें और 21 रन बची हुई, 15 गेंदों पर 21 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए बुच के कंस्ट्रक्शन को। और इस बार खेल दिया है पॉइंट की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन बची हुई, 14 गेंदें और 20 रन, 14 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता। 62 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। पारी का पांचवा ओवर है, बची हुई 14 गेंदों पर 20 रन। चले समय और लीजिए, 20 में से कम कर दीजिए और आधा दर्जन रन, लाजवाब छक्का। अब 11 गेंदें और 14 रन, माफी चाहूंगा 13 गेंदें और 14 रन, बची हुई 13 गेंदों पर 14 रन की आवश्यकता। इस बार फिर खेल दिया है बेहतरीन वहां पर कवर के रीजन में, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दौड़कर दो रन, और इन दो रनों की मदद से भैया स्कोर कितना हुआ, बची हुई 12 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता, 70 रन पांच ओवर की समाप्ति पर, बची हुई 12 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता बुचके कंस्ट्रक्शन को यह मुकाबला जीतने के लिए। और अब मंत्रणाओं का दौर चालू, पूरा कैबिनेट इकट्ठा होगा, मंत्रिमंडल की बैठक होगी और ये मंत्रणा की जा रही है किस गेंदबाज को अब छठे ओवर की कमान सौंपी जाए, क्योंकि विकेट चाहिए इस समय। जिस अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता नहीं अंतिम गेंद तक ये मुकाबला जाएगा। और छठे ओवर की कमान भैया बालन ने, बबलू बबलू छठे ओवर की कमान बबलू। और लीजिए इस बार यूज यूज यूज, लाजवाब छक्का, काफी लंबा हिट, शानदार छक्का इस समय। और बची हुई 11 गेंदों पर महज 6 रन की आवश्यकता, बची हुई 11 गेंदों पर महज 6 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए इस समय तैयार। और लीजिए इस समय क्या यहां पर विकेट मिलेगा, और मैच खत्म करना चाहते थे बल्लेबाज, काउ कॉर्नर की ओर जो फील्डर खड़े हुए थे, लाजवाब कैच लपका है और पांचवा विकेट, मगर कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और अब अगले बल्लेबाज राहुल, राहुल अगले बल्लेबाज इस समय, बची हुई 10 गेंदों पर 6 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए बुच के कंस्ट्रक्शन को, तो देखना होगा। चले इस समय गेंदबाज बबलू राहुल के लिए, और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, क्या रोक पाएंगे, बन बाउंसी मारे खाक बाहर, 4 रन और इस चौके की मदद से 80 रन, बची हुई 9 गेंदों पर महज 2 रन की आवश्यकता।
महज औपचारिकता ही शेष इस मुकाबले में, महज दो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। चले इस समय बॉलर, और क्या मैच समाप्ति की घोषणा है? जी हाँ बिल्कुल है, और यहां से यह मुकाबला जीत लिया है बुचके कंस्ट्रक्शन ने, लख लख बधाइयां। और अब अवसर है, शानदार छक्का लगाकर ये मैच समाप्त किया है, और अब अवसर है आपसे विदा लेने का। जितने भी दर्शक यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अवसर है आपसे विदा लेने का, आज दोपहर ठीक 2 बजे से फिर आपके साथ लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महाकुंभ आज जिसका शुभारम्भ दिवस था, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और अंतिम विदाई हमारे सीनियर कॉमेंट